भारत बंद के एक दिन बाद भी देश भर में बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 88.26 रुपए लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 88.26 रुपए। अगर कीमतें और बढ़ती हैं तो ये 90 रुपए के पार पहुंच जाएंगी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.87 रुपए जबकि डीजल 72.97 रुपए है। फिलहाल सरकार ने किसी भी तरह की कटौती से किया इनकार। 2019 के पहले ममता बनर्जी सरकार ने खेला हिंदू कार्ड। 25,000 दुर्गा पूजा कमेटियों को दी सौगात। हर कमेटी को सरकार देगी 10-10 हजार रुपए की मदद। 10-10 हजार रुपए की दर से करीब 28 करोड़ की मदद दुर्गा पूजा समितियों को दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में हिंदू कार्ड के जरिए जनाधार बढ़ाने में जुटी बीजेपी को जवाब देने के लिए ममता बनर्जी ने खेला दाव। राजस्थान में अमित शाह के दौरे से पहले चुनाव प्रबंधन समिति को लेकर विवाद। राजपूत नेता देवी सिंह भाटी ने हाल ही में गठित राजस्थान चुनाव प्रबंधन समिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए आरोप लगाया। कहा, बिना किसी जनाधार वाले लोगों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि भाजपा के चुनाव प्रबंध समिति की घोषणा पिछले दिनों ही की गई थी। समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के गठन की घोषणा के 10 दिनों के भीतर वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी में असंतुष्ट तत्वों से समर्थन प्राप्त करना शुरू कर दिया है। पूर्व सांसद रघुराज शाक्य, कमल यूसुफ मलिक, माफिया डॉन अतीक अहमद और कुछ शीर्ष नेता थाम सकते हैं शिवपाल के मोर्चे का दामन। रुका प्रमोशन तो सीबीआई जज ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जज एसके यादव की पदोन्नति पर इस आधार पर रोक लगा दी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन्हें इस मुकदमे की सुनवाई पूरा करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक जज की पदोन्नति भी रुकी रहेगी। अवैध अप्रवासी राष्ट्र के लिए बने चुनौती। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश के सभी राज्यों में एनआरसी के कार्यान्वयन की मांग की। सोनोवाल ने कहा कि एनआरसी एक दस्तावेज है जिसके माध्यम से सभी भारतीयों को बचाया जा सकता है। इंदौर की मस्जिद में दाऊदी बोहरा समुदाय के धर्मगुरु से मिलेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को यहां पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू की। धर्मगुरु के धार्मिक प्रवचन का 9 दिवसीय कार्यक्रम 12 सितंबर से शुरू होगा। राजनीतिक विश्लेषकों की तीखी निगाहें क्योंकि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में होने हैं विधानसभा चुनाव। 2G स्पेक्ट्रम से जुड़े 3500 करोड़ के एयरसेल मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में आवेदन लगाकर कार्तिक चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति देने की मांग की। जांच एजेंसी ने अदालत में कहा कि कार्तिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं जबकि उन्हें जांच में सहयोग करने के आधार पर ही अंतरिम राहत दी गई थी। नेशनल हेराल्ड केस के मामले में राहुल सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस को झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर जारी किए गए आयकर नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुए डिप्रेशन के शिकार। रिम्स के डॉक्टर्स ने किया रिपोर्ट में खुलासा, चल रहा है इलाज। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद से काफी समय से जेल में हैं।